एक और माइंड कैलकुलेशन वाला पजल मैं आपको बता रहा हूँ, पजल मतलब पहेली कर दो या कुछ भी माइंड एक्सरसाइज वाला। आपको एक से लेकर नौ तक की संख्याओं का यूज करना है, एक से लेकर नौ तक की संख्याओं का यूज करना है, सब सिंगल डिजिट की संख्या है, एक भी शामिल होगा नौ भी शामिल होगा, एक से नौ तक बोला है मैंने, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर नौ बॉक्स बना देता हूँ, कितने बॉक्स बना देता हूँ, ये बॉक्स बना दिए मैंने, एक से लेकर नौ तक की संख्याओं का यूज करना है, कोई संख्या रिपीट नहीं होगी, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, एक संख्या का एक बार ही यूज करना है, नौ संख्या है नौ कॉलम में पूरी आ जाएगी, यों जोड़े कैसे भी जोड़े, योग 15 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, मतलब कैसे भी जोड़ ले, किसी का मन करे कि मैं तो इन तीन खानों की को जोड़ लूँगा, जोड़ ले भाई योग 15 आना चाहिए, किसी का मन करे कि भाई मैं यूँ विकर्ण साइड जोड़ूंगा, जोड़ ले 15 आना चाहिए, कोई कहे मैं तो पहली पंक्ति का जोड़ूंगा, जोड़ ले भाई 15 आना चाहिए, कोई कहे नहीं मैं तो इसको बीच की संख्याओं को जोड़ूंगा, योग 15 आना चाहिए। वापस सुन लो, एक से नौ तक की संख्याओं का यूज करना है, ठीक है, कोई संख्या रिपीट नहीं होगी, ठीक है ना, और आडा टेढ़ा तिरछा खड़ा उभा कैसे भी जोड़ो, योग कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क का काम है, जब हो जाए तो कौन सी विधि से हुआ कैसे हुआ कमेंट करके आपको बता देना है, ठीक है ना। ये हो गया घर के लिए दिमाग खपाने वाला काम, जाना घर पे आराम से उठा पटक करना अपने दिमाग को, और आडा टेढ़ा उबा तिरछा खड़ा कैसे भी आए, योग 15 आना चाहिए, और कोई संख्या रिपीट होनी नहीं चाहिए, और संख्याएं एक से लेकर नौ तक में से ही लेनी है, और किसी संख्या का यूज नहीं करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके थैंक यू भाई बंद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।